सभी को जय हिंद मैं जुएेश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस तो तेरह अक्टूबर से ए फोर्स वाई ग्रुप का पेपर है आपका जिसमें आपके जनरल नॉलेज का सेक्शन जो है अराउंड एट टू नंबर का होता है तो आज अगर आप ये क्लास कर लेंगे तो वो एट टू टेन नंबर आपके पूरे कंफर्म हो जाएंगे क्योंकि बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही सिंपल उसमें आता है तो तेजी के साथ चलते हैं एक नज़र सब कवर वाली फिलासफी पे चलेंगे हम और सारा हम कवर करते चलेंगे तो शुरू करते हैं हम हिस्ट्री से आ, हिस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिद्धू घाटी सभ्यता से हमारे भारत का हिस्ट्री शुरू होता है तो यहाँ पर आपके सामने इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स यानी स्थल दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि उनको डिस्कवर या उनकी खोजकलता कौन कौन है तो सबसे पहले आपका जो हड़प्पा साइट है इसकी डिस्कवरी नाइनटीन में हुई थी उसके बाद आपका सेकंड नंबर पर 1922 में चांदू हड़ो की हुई थी सॉरी मोहन जोधड़ो की हुई थी फिर 1931 में चांदू हड़ो और काली बंगाल की 1953 में हुई थी इसके साथ साथ आपके कुछ और साइट भी थे जैसे 1957 में आपकी लोथल ये लोथल आपका गुजरात में पड़ता है 1959 में आपका 1959 या 60 भी बोल लो आपका 1960 भी बोल सकते हो यहाँ पर आपकी वीरा और उसके बाद आपका वीरा उसके बाद 1969 में आपकी राखी गढ़ी की डिस्कवरी हुई थी किसकी राखी गढ़ी राखी गढ़ी आंसर आप दे दो मैं तो आपको आपको बताऊंगा ही और 1973 में 1973 में रुक जाइए एक सेकेंड आपका 1960 और 1973 में आपका जो डिस्कवरी हुई थी उसका नाम था आपका बाना वाली ठीक है उसका नाम क्या है बाना वाली खैर आप लोग आंसर तो उसका सही दे दोगे गुड आफ्टरनून प्रियंका यादव निशा कुमारी सभी का देखो हड़प्पा की जो डिस्कवरी है वो दया राम सहनी ने करी थी ओके चांदू हड़ो की एन जी मजुमदार ने कालीबंगान की अमलानंद घोष ने और मोहन चुडोड़ की राखी राखल दास बैनर्जी ने तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थ्री टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन यानी ऑप्शन नंबर डी और इनकी डिस्कवरी कब की गई अच्छा लोथल की जो है आपका एस आर राव ने लिख लो एक कॉपी पे धोलावीरा जेपी जोशी ने ओके धोलावीरा जेपी जोशी आ। और उसके बाद आपका जो राखी गढ़ी है राखी गढ़ी की जो करी है वो अमरेंद्र अमरिंदर नाथ ने ठीक है अमरिंदर नाथ ने करी है और बनावली की आर एस बिष्ट ने करी है किसने करी है आर एस बिष्ट ने इसकी डिस्कवरी करी है तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी स्क्रीन शॉट ले लो आगे बढ़ते हैं अब आपको बताना है कि सबसे ये दरअसल पूछा गया कि सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी है तो सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी है राखी घड़ी और ये पता है आपका कहाँ पड़ती है हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और इसकी जो डिस्कवरी है अभी मैंने आपको बताया कौन किस किसने करी थी इसकी डिस्कवरी इसकी डिस्कवरी करी थी आपकी अमरेंद्र नाथ ने 1969 में ये एक नदी है ठीक है एक नदी के किनारे है यह आज की डेट में ये नदी आ, मतलब वो हो चुकी है विलुप्त हो चुकी है सूख गई है मतलब इसका अस्तित्व तो नहीं है ये जिस नदी के नाम किनारे था उसका नाम था दृश्य दवती उस नदी का नाम था क्या नाम था उस नदी का नाम दृश्य दवती चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा अब निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल कौन सी नदियों के किनारे था जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि दृश्य दवती नदी के किनारे कौन सा था आपका स्थल आपका राखीगढ़ी था उसी तरीके से हड़प्पा जो है आपका रावी नदी मोहन भी आपका इंडस रिवर लोथल आपका भोगवा रिवर कालीबंगन घग्गर या इसको आप सरस सरस्वती के नाम से जानते हैं ध्यान रखिएगा सरस्वती और यहाँ पर और लिख लीजिएगा कि जैसे आपका चानू हड़ो ठीक है चानू हड़ो जो है ये भी आपका कौन सी नदी के किनारे था सिंधु नदी के किनारे और आपका बानावली 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 भी आपका सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे था तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट right आंसर होगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली तो ये जो धोलावीरा है ना जिसको यूनेस्को ने 40वें विश्व धरोहर घोषित किया है ध्यान रखेगा, यूनाइटेड नेशन ओके यूनाइटेड नेशन ओके यूनाइटेड नेशन यूनेस्को ठीक है इसने 2021 में धोलावीरा को ठीक है धोला वीरा को विश्व धरोहर घोषित करा था ये कौन सी थी चालीसवीं और अभी कुछ दिनों पहले तो पिछले महीने सितंबर में 2023 में सबसे पहले शांति निकेतन शांति निकेतन शांति निकेतन की जो फाउंडेशन है आपके हमारे रविंद्र टैगोर ने करी थी इसको इकतालीसवीं धरोहर घोषित किया और कर्नाटक में होयसल टेम्पल या होयसल मंदिर को आपका विश्व की बयालीसवीं विश्व धरोहर घोषित करा यह धोलावीरा आपका कहाँ पड़ता है धोलावीरा आपका पड़ता है कच्छ और कच्छ आपका कहाँ पे है गुजरात में है कच्छ आपका कहाँ पे है गुजरात में है चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आ, ये। चलो आद्य शब्द का मतलब क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आद्य आद्य शब्द का अर्थ क्या होता है तो देखो आद्य शब्द का अर्थ होता है सुपीरियर और ध्यान रखेगा कई सारे सिद्धांत हैं जैसे एक आपने सुना होगा लूसेंट वगैरह में मैक्स मूलर ये जन्मनी का था और मैक्स मूलर ने कहा था कि जो आद्य लोग थे वो भारत जो आए थे वो कहां से आए थे सेंट्रल एशिया से आए थे कहां से आए थे मध्य एशिया से बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो आर्य लोग हैं वो भारत जो आए थे वो कहां से आए थे आर्कटिक आर्कटिक क्षेत्र से आर्कटिक रीजन या फिर आपका आर्कटिक रीजन को हम और क्या लिख सकते हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे कहां से आए थे उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से आए थे चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आ पहले तीन वेदों को क्या बोला जाता है तराई या वैदित्री बोला जाता है या त्रिवेद बोला जाता है पहले तीन वेद में आता है ऋग्वेद जिसमें मंत्र दिए गए हैं उन मंत्रों को यज्ञ में करने की विधि आपका यजुर्वेद में दी गई है उन मंत्रों को उच्चारण करने की जो विधि है या उच्चारण करने का जो तरीका है वो आपका सामवेद में दिया गया तो पहले तीन वेद आपका वैदित्रय कहलाते हैं जो अथर्ववेद है आपका ये वेद पूरी तरीके से भिन्न है ठीक है अथर्ववेद जो है आपका ये वेद पूरी तरीके से भिन्न है ये आपका तंत्र मंत्र पर आधारित है किस पे आधारित है आपका तंत्र मंत्र पे आधारित है ओके okay? एक सेकेंड ओके अब okay, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ को किसे कहा जाता है दरअसल जो मंत्रों का उच्चारण है वो आपका किस में दिया गया है मंत्रों का उच्चारण आपका सामवेद में दिया गया सारे गामा भा भी आपका सामवेद में दिया गया तो इसको क्या बोला जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है क्या बोला जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शूद्र का देखो ऋग्वेद में दसवा जो मंडल है इसमें आपका क्या दिया गया है इसमें दिया गया है पुरुष सूक्त को दिया गया है ये पुरुष सूक्त में आपका वर्ण व्यवस्था दी गई है और वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में कर्म आधारित है जन्म आधारित नहीं है ठीक है कर्म आधारित है जन्म आधारित नहीं है चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा वेदों को अपरुषय क्यों कहा जाता है ओके वेदों को अपरुषय क्यों कहा जाता है ओके okay, जल्दी से बताओ वेदों को अपुरुष क्यों कहा जाता है वेदों को अपुरुष इस वजह से कहा जाता है कि वेदों की जो रचना है वो भगवान ने करी है ऋषि मुनियों ने उनका इकट्ठा करके उनको लिखा है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि कौन सा वेद किससे संबंधित है ये तो बड़ा ही इजी है ठीक है कि ऋग्वेद में आपका क्या दिया गया है मंत्र जैसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋग्वेद के आपके जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का तीसरा मंडल है इस तीसरे मंडल में क्या दे रखा है इस तीसरे मंडल में दे रखा है आपका गायत्री मंत्र दे रखा है क्या दे रखा है दोस्त गायत्री मंत्र दे रखा है तीसरे मंडल में जो सवित्र देव को समर्पित है अच्छा फिर आपका यजुर्वेद में यज्ञ की विधि सामवेद में आपका म्यूजिक और अथर में आपका जो है तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक इसे कह सकते हो आप ठीक है तंत्र जादु क्योंकि ज्योतिष विज्ञान जो है आपका इससे संबंधित है सो so, इस प्रश्न का उत्तर हो गया तीन एक दो चार तीन एक दो चार यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा गायत्री मंत्र जो किसको समर्पित है तो गायत्री मंत्र एक प्रकाश के देवता या गॉड ऑफ पॉजिटिविटी जिनको हम सवित्तर या सावित्री देव के नाम से जानते हैं जिनको हम सवित्तर या सावित्री देव के नाम से जानते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी का सबसे पहला गणराज्य गणराज्य वो होता है जहां पे राजा को चुनाव किया जाता है गणराज्य किसे कहा जाता है जहां पर राजा का चुनाव किया जाता है तो विश्व का जो पहला गणराज्य था वज्जी था ये एनडीए का क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा और ये आपका वैशाली महाजनपद की राजधानी था ठीक है ये आपका वैशाली महाजनपद की राजधानी था चलिए अगला क्वेश्चन महावीर स्वामी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था महावीर स्वामी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो आपका 540 ईसवी ईस्वी में कुंद ग्राम में हुआ था वो आपका 540 सो ईस्वी में कहां पे हुआ था कुंद ग्राम में हुआ था और चार सौ ईस्वी में उनका निधन हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म पांच में बीसी में आपका लुम्बनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म ओके आपका लुम्बनी में हुआ था और आपका 483 एटी बीसी में उनकी डेथ हुई थी ठीक है हाँ <laughs> ओके चलो आगे बताओ ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा अब आपको बताता दें इस क्वेश्चन का आंसर हम्म ऑप्शन नंबर ए देखो बिंबसार जो था आपका आ, आ, जो बिंबसार जो था एक सेकेंड बिंबसार आपका हरेक वंश इसको पित्त हंता वंश भी बोलते हैं इसका शासक था काल अशोक जो था वो शिशुनाग का था महापदमनंद नंद वंश का था बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोक का पिता था और ये मौर्य वंश था तो इस क्वेश्चन का आंसर एक चार दो तीन एक चार दो तीन ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा चलो अगले क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन तो हाँ अब ये आपसे बौद्ध संगीति के ऊपर आधारित प्रश्न है कि कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था पहले तो आप आंसर दे दो तो, फिर मैं से आपको बताऊंगा प्रिंस के विचार जरा आंसर तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक चार ए तो नहीं होगा इसका आंसर प्रिंस ए तो नहीं हो सकता हम्म बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सुप्रीम पोरवाल सुप्रीम पोरवाल इसका आंसर जो है आपका देखो अब एक दवाई ले रहा एक बार हम बड़ा सिंपल है इसका आंसर जब गौतम बुद्ध का निधन हुआ था तो आजाद शत्रु ने सबसे पहले आजाद शत्रु ने सबसे पहली बौद्ध संगीति कराई थी चार बीसी में और इसने जो बौद्ध संगीति कराई थी कहाँ पर कराई थी राजगिर में फिर जो दूसरी बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन किसने कराया था दूसरी बौद्ध संगीति का दूसरी बौद्ध संगीति आपका काल अशोक ने करवाई थी 383 एटी में और काल अशोक ने ये वैशाली में इसने आयोजित करवाई थी फिर आपकी जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो अशोक ने करवाई थी आपका 251 फिफ्टी में और अशोक ने जो है इसका आयोजन कहाँ पे कराया था पाटलिपुत्र बचा कनिष्क कनिष्क ने आपका चौथी बौद्ध संगीति कराई थी बहत्तर ईस्वी में ईसा मसीह के जन्म के बाद और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था आपका कुंदलवन तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए दो तीन चार ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए दो तीन चार एक तो दो तीन चार एक यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हाँ कनिष्का से पकड़ लो हाँ बिल्कुल कौटल्या का जो अर्थशास्त्र है ठीक है कौटल्या का जो अर्थशास्त्र है यानी चाणक्य जिसको हम कहते थे ये किस पे इसकी एक बुक है अर्थशास्त्र ठीक है ये किस पे आधारित है तो ध्यान रखिएगा वो आपका पॉलिटिकल पॉलिसी या राजनीति या स्टेट क्राफ्ट पर आधारित है किस पे आधारित है स्टेट क्राफ्ट यानी पॉलिटिकल राजनीति पे आधारित है किस पे आधारित है राजनीति नाम इसका अर्थशास्त्र है लेकिन ये इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं है बच्चे इसी वजह से गलत करके आ जाते हैं चलिए अगला क्वेश्चन फायान किसके समय भारत आया था तो फायन आया था आपका तीन सौ निन्यानवे ईसवी में और उस समय भारत का राजा था आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलता है ये चार सौ पिछहत्तर से आपका सॉरी तीन सौ पिछहत्तर से चार सौ पिछहत्तर नहीं ये आपका तीन सौ पिछहत्तर से 415 तक इसका शासन रहा है इसके समय में ही ध्यान रखेगा कालीदास भी था ठीक है इसके समय में ही इसका जो दरबारी कवि था वो कालीदास था जिसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है चंद्रगुप्त से पहले 335 से 375 तक जिसने शासन करा वो समुद्रगुप्त और इसको नेपोलियन बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया इसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है श्रीगुप्त जो था ठीक है क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है श्रीगुप्त तो, तो जाए गुप्त की स्थापना तो जो आपका समुद्रगुप्त था इसकी माताजी जो थी एक लिच्छवी राजकुमारी थी तो ये अपने को लिच्छवी दोहित्र बुलाता था यानी लिच्छवियों का वंशज क्या बुलाता था लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवी का वंशज अपने आप को बुलाता था ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा ओके अगला क्वेश्चन हु फाउंडेड वर्धन डायनेस्टी तो वर्धन डायनेस्टी की जो स्थापना है वो प्रभाकर वर्धन ने करी थी ठीक है प्रभाकर वर्धन प्रभाकर वर्धन का बेटा था हर्षवर्धन और इनकी राजधानी थी कुरुक्षेत्र इनकी राजधानी जो थी कुरुक्षेत्र थी हर्षवर्धन नहीं होगा प्रभाकर वर्धन होगा इसका बेटा था हर्षवर्धन ठीक है इसका बेटा था अब हर्षवर्धन जो है था ना अंतिम बौद्ध शासक था ठीक है हर्षवर्धन जो था अंतिम बौद्ध शासक था इसी वजह से इसको अशोक के सेकंड अशोक के नाम से जाना जाता है और देखो एच से हर्ष एच से हर्षवर्धन तो यात्रियों का राजकुमार जिसको हम बोलते हैं हुइन सांग यात्रियों का राजकुमार यानी हुईन सांग जो आया था हर्षवर्धन के समय में आया था छः सौ उनतीस ईस्वी में हाँ, हर्षवर्धन का जो शासन काल है वो 606 से छ ईस्वी अच्छा हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है शिला यानी चट्टान शिला आदित्य के नाम से भी जाना जाता है और इसको अंतिम बौद्ध शासक या दूसरा शोक भी कहा जाता है हर्षवर्धन ने पुस्तकें लिखी थी इसकी तीन बुक हैं। ध्यान रखेगा हर्षवर्धन ने पुस्तक लिखी थी इसकी तीन बुक हैं। एक है नाग नंदा ओके नाग नंदा एन ए एन डी ए अच्छा डी ए होना चाहिए यहां पर रुको एक सेकेंड नाग नंदा फिर आपका रतनावली और आपका प्रिय दरशिका और प्रिय दर्शिका ये इसकी तीन पुस्तकें हैं नागनन्ना रतनावली और प्रियदर्शिका अच्छा हर्षवर्धन का इतिहासकार था या इसका जो दरबारी कवि था उसका नाम था बाण भट्ट बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और बाण भट्ट ने जो पुस्तक लिखी है एक तो उसने लिखी है हर्ष चरित्र या हर्ष चरिता और आपका हर्ष चरिता के अलावा इसने कादम्बरी कादम्बरी भी इसने पुस्तक लिखी है कादम्बरी पुस्तक भी लिखी है चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे दोगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर The following was the Buddhist king, great scholar of Sanskrit तो वो कौन सा हर्षवर्धन तो था क्या हो जाएगा इसका आंसर हर्षवर्धन ही तो हो जाएगा Who wrote हर्ष तो हर्षचरित किसने लिखा ने लिखा, लिखा. जी के आपको मक्खन मलाई की तरह एग्जाम में करके आओके फटाफट प्रैक्टिस करो और सेशन को लाइक करो तभी तो बात मिलेगा जल्दी से चाइनीज ट्रेवलर जो हर्षवर्धन के समय में आया था तो वो कौन सा आया था हुइनसांग और इसको यात्रियों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ ट्रैवलर इसे कहा जाता है प्रिंस ऑफ ट्रैवलर इसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ, अब भारत पर भारी आक्रमण होने लगे तो पहली बार जो आक्रमण करा था वो किसने करा था इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम ठीक है पाकिस्तान वाले अपना इतिहास अपने बच्चों को यहीं से पढ़ाते हैं ठीक है क्योंकि 1947 से पहले तो उनका कोई अस्तित्व था ही नहीं तो इसने राजा दाहिर पर आक्रमण करा था सन 712 सौ ईस्वी में ओके चलो हाँ जी वंदे मातरम अच्छा वंदे गो मातरम ओके अगला क्वेश्चन ये था महमूद गजनवी इसने भारत पर एक हजार से लेकर एक हजार छब्बीस तक सत्रह बार भारत पर आक्रमण करा था और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण इसका जो है सोलवा आक्रमण है जिसने हमारे पवित्र सोमनाथ मंदिर को इसने ध्वस्त कर दिया था ठीक है फिर एक सिखों के राजा होते थे महाराजा रणजीत सिंह वो महाराजा रणजीत सिंह ने जब अफगानिस्तान तक अपना राज फैला लिया था तो सोमनाथ से ना वो क्या ले गया था सोमनाथ मंदिर के दरवाजे ले गया था तो वहां से उन दरवाजों को वापस लाए थे जो वहां की मस्जिद में लगे हुए थे अब उस समय सोमनाथ मंदिर तो था नहीं क्योंकि सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर रखा था वो तो गवर्नमेंट ने बाद में है? भारत से अलग नहीं है सिख हमारे हमारे धर्म के रक्षक रहे हैं सिख कौन जया ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन बैटल ऑफ तरायण पहली बैटल ऑफ तरायण आपकी ग्यारह में हुई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को पराजित कर दिया था महमूद गौरी को क्या कर दिया था पराजित कर दिया था लेकिन दूसरी उसमें वो महमूद गौरी से हार गए थे ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ओके चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा आपको बताना है कि कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो चौगान खेलते समय जिसकी मृत्यु हो गई थी तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है इसी ने ही कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू कराया था इसी ने ही कुतुब मीनार के पास एक वो है मस्जिद जो उत्तर भारत की सबसे पहली मस्जिद कहते हैं जिसे इस्लाम और अज अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये बनवाया था ठीक है अगला क्वेश्चन अब 1206 से 1206 से आपका 1526 तक 330 साल आपका दिल्ली सल्तनत का शासन रहा 330 साल आपका किसका शासन रहा है ओके okay. अरे इंडियन एयरफोर्स के एडमिट कार्ड तो आ गए यार कब के सदियां हो गई आया हुए हुए ओके तो आ व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग डायनेस्टी दैट रूल्ड दिल्ली तो इसमें सबसे पहले आपका गुलाम वंश गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश तुगलक तो वंश के बाद सैयद वंश और सैयद वंश के बाद आपका लोधी राजवंश क्योंकि इब्राहिम लोधी को ही तो हरा के पंद्रह में जब बाबर आया था तो तब मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक दो पाँच तीन चार एक दो पाँच चार तीन चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर किस इन, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने आ, जो सुल्तान शाही थी ठीक है उसको वंशानुगत कर दिया था तो वो था आपका बलबन वो कौन था आपका ग्यासुद्दीन बलबन ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में ये है कि इसने वैसे मध्यकालीन भारत का इतिहास अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा लौह रक्त नीति ठीक है क्योंकि भारत मेरा बदल चुका है लेकिन फिर भी सेफ साइड लेते हुए हमें पढ़ना होता है चलिए अगला क्वेश्चन हाँ नवरोज स्टार्ट कर रहा था सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण जो हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे अलाउद्दीन खिलजी ने को इसी वजह से क्या बोला जाता है दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सानी इसको कहा जाता है ठीक है क्या बोला जाता है सिकंदर ए सानी इसको कहा जाता है ठीक है हम्म चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा पहला सुल्तान जिसने दक्षिण भारत को में विजय प्राप्त करी थी ठीक है तो वो अलाउद्दीन खिलजी था इसी वजह से इसको सिकंदर सानी बोला जाता है और जो रामेश्वरम है जहाँ से आपका राम सेतु जाता है वहां पर इसने एक मस्जिद भी बनवाई थी ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपको बताना है कि कुतुब मीनार पर बिजली गिरी थी और वो क्षतिग्रस्त हो गया था और उसकी पांचवी मंजिल बनवाई थी फिरोशा तोगलक ने ये व्यक्ति वही है जिसने तेरह तेरह इक्यावन में आपका जजिया ठीक है जजिया कर ओके लगाया था ब्राह्मणों पर ये एक प्रकार का धार्मिक कर होता है ये एक प्रकार का क्या होता है धार्मिक कर होता है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थक गए हैं बच्चे अभी बहुत ज्यादा आगरा शहर की स्थापना किसने करी आगरा शहर की स्थापना सन 1504 में आपका सिकंदर लोधी ने करी किसने करी सन 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी चलिए अगला क्वेश्चन 1526 में बाबर ने किसे पराजित कर आपका मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी फटाफट आंसर तो क्या होगा तो किसे हराकर तो लोधी वंश को ही तो हराकर नींव रखी थी किसको हराकर नींव रखी थी लोधी वंश को चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी 21 अप्रैल 1526 ठीक है इसमें आपका तुगलकवान नीति और ध्यान रखेगा अगर कभी पूछा जाए कि भारत में बारूद या तोप का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था तो पानीपत की लड़ाई में 1527 में ओके खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में ये राणा सांगा राणा सांगा जो थे पृथ्वीरा तो महाराणा प्रताप के पर दादा थे ओके महाराणा प्रताप के पर दादा थे राणा सांगा और कृष्ण जी की दुलारी मीराबाई जी के ससुर थे ठीक है राणा सांगा को पराजित करा था और इस युद्ध में इसने अपने आप को गाजी का उपाधि दी थी गाजी और आपका जेहाद का नारा दिया था जेहाद ठीक है जेहाद का नारा दिया था धर्म युद्ध चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जहीरुद्दीन बाबर ये बाबर का असली नाम था तो जहीरुद्दीन बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है ठीक है ये बाबर नामा नहीं लिखा था इसने आत्मकथा जो लिखी थी उसका नाम था तुजुक ए बाबरी ठीक है तुजुक ए बाबरी इसने लिखा था और ये जो तुजुक ए बाबरी थी ये आपका कौन सी भाषा में थी चट तुर्की में आगे जाके आगे जाके एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था अब्दुल रहीम कृष्ण जी के भक्त थे अब्दुल रहीम खान ए खाना ठीक है अब्दुल रहीम खान ए खाना ये इसको फारसी भाषा में लिखते हैं यानी अनुवाद करते हैं उसको बाबर नामा के नाम से जाना जाता उसको बाबर नामा के नाम से जाना जाता है ठीक है ओके साउंड बहुत कम आ रहा है हाँ जी बताओ सभी लोगों को साउंड बहुत कम आ रहा है क्या <coughs> साउंड बहुत कम आ रहा है एक मिनट रुक जाओ कुछ ना कुछ तो करता हूं रुको हेलो 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 आप सही आ रहा है साउंड अब तो है ओके वीडियो क्वालिटी तो आपकी उधर होगी मेरी तो एचडी में जा रही है ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा माइक में इशू होगा इस वजह से नहीं आ रहा होगा ओके माइक चेंज कर लिया मैंने हम्म ओके अब क्या है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुगल शाही घराने की तो हिमायू नामा ये इसकी बहन थी गुल बदन बानो बेगम ठीक है हिमायू नामा किसने लिखी है आपका गुल बदन बेगम ने लिखी है किसने लिखी है गुल बदन बेगम ने ये हिमायू की बहन थी यानी अकबर की बुआ थी चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आ, हिमायू द्वारा स्थापित किया गया था तो हिमायू ने क्या कर बनाया था तो हिमायू ने आपका दीनपना शहर की स्थापना करी थी ठीक है दिल्ली के पास कौन सी दीनपना ठीक है शहर की स्थापना करी थी चलो अगला क्वेश्चन ग्रैंड ट्रंक रोड तो आपका जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो बांग्लादेश से पेशावर तक था तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ नोन एज फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मेडिवल इंडिया तो ये भी आपका शेर शाह सूरी ही है ठीक है इसका आंसर भी आपका क्या है शेरशाह सूरी ही इसका आंसर है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा अब अकबर ने गुजरात विजय यानी पंद्रह सो ओके, बहत्तर में गुजरात विजय में बुलंद दरवाजा बनवाया था जो भारत का अभी तक का सबसे बड़ा दरवाजा है चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आने अकबरी ओके आने अकबरी अकबर नामा आने अकबरी और अकबर नामा ये आपका एक ही व्यक्ति ने लिखा है जिसका नाम है अबू फजल जिसका नाम क्या है अबू फजल ओके अगला क्वेश्चन आपका मुगल चित्रकारी किसके समय सबसे चरम स्थान पर थी जहांगीर 1605 से 1627 सो सत्ताइस राजा था ये? ठीक है अब महाभारत किसके समय में फारसी भाषा में लिखी गई थी रजनामा इसे हम बोलते हैं तो जैसे रामचरित मानस हनुमान चालीसा जो आप कहते हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये अकबर के समय में ही तो लिखी थी वाराणसी में चलो अगला क्वेश्चन दीन लाई तो अकबर ने एक नया धर्म शुरू करा था दीन लाई खैर ये किसी ने बनाया था ही नहीं चलिए इसके बाद है जिहाद और वो तमगा और गाजी ये आपको मैंने बताया राणा सांगा के विरुद्ध पंद्रह में आपका खानवा के युद्ध में ठीक है खानवा आपका आगरा के पास पड़ता है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसके समय में लिखी थी तो तुलसीदास जी ने आपका अकबर के समय में ही ये लिखी थी क्योंकि अकबर थोड़ा बाकी मुगल राजाओं के मुकाबले थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था तो दूसरों को परेशान नहीं करता था इसने जजिया वगैरह भी हटाया था अच्छा शेरशाह सूरी ने अपनी जो सत्ता स्थापित करी थी देखो शेरशाह सूरी ने पहले तो पंद्रह में फिफ्टीन में आपको हिमायू को पराजित करा 1539 में और फिर जब हिमायू को पराजित कर दिया उसके बाद दोबारा 1540 में हिमायू को तो भारत से बाहर ही भगा दिया था तो ऑप्शन नंबर ए होगा ओके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपको बताना है अब ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गया अब आपका ये क्या शुरू हो गया है मॉडर्न हिस्ट्री आपका ये शुरू हो गया है ठीक है मजा आ रहा है क्लास में स्पीड सही है तो कार्टे सिस्टम इसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोलते हैं कार्टे सिस्टम इसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोला जाता है ठीक है तो एक कार्टे सिस्टम किसने शुरू करा था अल्फा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ठीक है किसने करा था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इसको शुरू करा था ठीक है और सन 1510 में गोवा पर कब्जा करा था ओके okay, तो वो अल्फांजो डी अलबुर्के ने करा था गोवा पे जो कब्जा करा था वो अल्फांजो डी अलबुर्के ने करा था अगला क्वेश्चन आपको बताना है ये क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे दोगे यहां पर ध्यान रखेगा भूमि मार्ग से भूमि मार्ग से आपका आया था जॉन मिडल हॉल और जो आपका कैप्टन विलियम हॉकिन 1608 में आया था वो जहांगीर के दरबार में सागर मार्ग से आया था ठीक है सागर मार्ग से आया था तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी होगा इसका आंसर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर क्या का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा कैप्टन विलियम होकिंस जो जहांगीर के दरबार में आया था 1608 में और इसके बाद पहली जो है सूरत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री ओपन की गई थी सूरत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री को ओपन किया गया था नवाब ऑफ बंगाल ओके बैटल ऑफ प्लासी जिसके बाद भारत पर अंग्रेजों का शासन शुरू होता है ये आपकी हुई थी तेईस जून सत्रह को कब हुई थी आपकी तेईस जून सत्रह को हुई थी बाईस अक्टूबर सत्रह को बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका नवाब ऑफ अवध नवाब ऑफ बंगाल और मुगल बादशाह शाह आलम को पराजित कर दिया था तो इसमें जो था हेक्टर मुनरो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था अच्छा रॉबर्ट कलाइव नहीं था रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में था ठीक है मुन्ो नहीं हैक्टर ओके गवर्नमेंट इसे छोड़ो अच्छा दसवें सिख गुरु जिन्होंने एक खालसा पंथ की शुरुआत की थी तो चिड़िया सिंह बाज लड़ावा, ता नाम धरावा, गुरु गोविंद सिंह गुरु जी थे गुरु गोविंद सिंह चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा स्थाई बंदोबस्त तो स्थाई बंदोबस्त जो भारत में शुरू करा था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए इसने कलेक्टर का पद बनाया था तो इसी वजह से इसको भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है भारत में सिविल सेवा का जनक इसको कहा जाता है ठीक है भारत में सिविल सेवा का जनक इसको कहा जाता है अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए देखें कितने लोग इस प्रश्न का आंसर दे, देंगे ओके अगला जब बताओ कंसीडर दी फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल ओके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा

डांडी मार्च 1930 मोर लेमेंटर सुधार 1919 तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर टू फोर वन थ्री टू फोर वन थ्री ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ओके ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ठीक है एक वर्ष में स्वराज तो ध्यान रखेगा 1920 से 1922 तक आपका क्या चला था आपका चला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन ओके okay? गांधी जी ने इसमें एक वर्ष में स्वराज चरखा खादी जो था वो इसी समय आपका आया था चलो अगला क्वेश्चन गांधी जी वाला गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीक कहाँ पर तो गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में किया था चंपारण और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा का टाइटल या महात्मा की उपाधि दी थी क्या दिया था महात्मा का टाइटल या महात्मा की उपाधि प्रदान की थी अच्छा जो असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी ने उसे एकदम से समाप्त क्यों कर दिया था असहयोग आंदोलन को क्यों एकदम से समाप्त कर दिया था तो गांधी जी ने उसे आपका जो चोरा चोरी में हिंसक कार्रवाई हो गई थी इस वजह से गांधी जी ने उसको वापस ले लिया था आपका नमक सत्याग्रह तो नमक सत्याग्रह जो है आपका दांडी मार्च जिसे हम बोलते हैं आपका 12 मार्च से ठीक है मार्च से आपका 6 अप्रैल तक आपका नमक सत्याग्रह आपका चला था 12 मार्च से 6 अप्रैल गांधी इरविन समझौता गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कांग्रेस को दूसरे गोल में सम्मेलन लाने के लिए और क्योंकि कांग्रेस पहले गोल सम्मेलन में तो आई नहीं थी क्यों क्योंकि गांधी जी ने सिविल डिस मूवमेंट चला रखा था चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भूख हड़ताल तो गांधी जी पहली बार जो भूख हड़ताल में बैठे थे तो 1918 के आपके अहमदाबाद में लालोदल और ये जो बारदोली जो आपको दिख रहा है ना इसमें आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी वहाँ की महिलाओं ने कौन सी उपाधि दी थी सरदार की उपाधि दी थी पंद्रह अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ था तो गांधी जी उस समय कलकत्ता में हिंदू मुसलमान दंगों को शांत करवा रहे थे ठीक है क्या करवा रहे थे हिंदू मुसलमान दंगों को शांत करवा रहे थे चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो जिसमें गांधी जी गए थे तो वो आपका दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे जो आपका 1931 में हुई थी ठीक है जो आपका 1931 में हुई थी अब आपका है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन थे तो बिहार में हुआ था तो यहाँ पर उनके साथ थे आपके राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति ये बिहार के सीवान जिले से थे और अनुग्रह नारायण सिंह और कौन थे अनुग्रह नारायण सिंह गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना कब करी थी तो जब वो हिंद स्वराज इन्होंने लिखा था जो ट्रैवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया बाय शिप या ट्रैवलिंग फ्रॉम इंग्लैंड टू साउथ अफ्रीका कब तो इन्होंने हिंद स्वराज की करी थी तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ए बी सी या डी ओके okay. चलो इस क्वेश्चन को ना आप सर्च करना इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में दिया मैंने मेरे को तो पता है लेकिन ऐसे ही सर्च करना ठीक है हाँ बिल्कुल सुप्रीम ने इसका आंसर सही दिया सी दिया है साउथ अफ्रीका से जब आ रहे थे ठीक है ऑप्शन नंबर सी है वैसे इसका आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर सी आ, गांधी जी के सत्याग्रह पर दर्शन औद्योगिक मजदूर वक्त तो वो अहमदाबाद मील आंदोलन ठीक है अहमदाबाद मील आंदोलन हिंद स्वराज के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी है तो आप जानते ही हो इन्होंने साउथ अफ्रीका में 1904 में एक फार्म की स्थापना करी थी महात्मा गांधी ने जिसको फिनिक्स फार्म बोला जाता है आज की डेट में इसको गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता आज की डेट में किस नाम से जाना जाता है गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है अच्छा अब ध्यान रखिएगा सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट आपका 1930 में शुरू हुआ था और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कांग्रेस के सत्र में हुई थी लाहौर तो उन्नीस के लाहौर सेशन में ही बात की गई थी कि भाई सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट हम करेंगे ठीक है जिसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई थी इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो दे दीजिए देखो यहाँ पर आपका जलियावाला बाग हुआ तेरह अप्रैल ये थोड़ा सी का क्वेश्चन है तो थोड़ा टफ सा है अच्छा अहमदाबाद 1918 को ठीक है और चंपारण सत्याग्रह 1917 को ये फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा ये भी आपका 1919 में ही हुई थी ठीक है तो ये इस इसके बाद हुई थी ये जलियावाला बाग तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए टू वन फोर थ्री टू वन फोर थ्री है इसमें टू वन फोर थ्री ऑप्शन नहीं बैठा इसमें ठीक है चलो अच्छा अठारह का कौन सा विद्रोह का केंद्र नहीं था हाँ इसका टू वन थ्री चाहिए इसका आंसर टू वन थ्री फोर होना चाहिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें इस ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका आंसर इस अच्छा कौन सा विद्रोह का केंद्र नहीं था तो ध्यान रखेगा अयोध्या जी को पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता था तो वो आपका 1857 का विद्रोह का केंद्र था लेकिन आगरा में विद्रोह नहीं हुआ था ऑप्शन नंबर बी होगा सभी लोग इसका आंसर अयोध्या लगा देते हैं लेकिन अयोध्या को पहले फैजाबाद के नाम से जाना जाता है ठीक है इसका आंसर आगरा होगा चलो व्हिच ऑफ दिस सेशन इज नॉट करेक्ट में 1886 का सत्र कलकत्ता में होता दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने थे 1887 में मद्रास में हुआ था बद्रुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे अठारह का इलाहाबाद में हुआ था और आपका जॉर्ज यूल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे लेकिन अठारह में आपका कलकत्ता में हुआ था जिसमें पहली बार बंदे मातरम गाया गया था ओके हाँ अरे नहीं वो इतना आप नहीं होगा बहुत मतलब वो तो आप इसे बहुत आराम से क्वेश्चंस को कर लोगे वो तो एक दो क्वेश्चन बीच में आ गए तो डीप नहीं आएगा कांग्रेस uh, के किस सत्र में पहली बार फंडामेंटल राइट right की बात की गई थी तो वो 1931 इसमें तो आपका पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी ठीक है इसमें आपका वंदे मातरम गाया गया था वंदे मातरम और इसमें आपका जन गण मण आपका गाया गया था तो खैर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा वंदे मातरम जो है स्लोगन आपका जब पार्टिशन ऑफ बंगाल हुआ था तो भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में तो स्लोगन के तौर पर इसको लिया गया था भाई सेशन को लाइक जो कर देना आप अगला क्वेश्चन कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने तो ध्यान रखेगा बाल गंगाधर तिलक जी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने सुभाष चंद्र बोस तो नाइनटीन और 1939 में महात्मा गांधी तो एक बार ही बने 1924 में गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में थे ठीक है ये आपके 1905 में बने थे ओके फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसे कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस ठीक है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब ये जोग्राफी शुरू हो गया चलो तो भाई मजा आया सेशन में स्पीड तेज है ना सारे एकदम सुपरसोनिक की तरह एस का नया झंडा अपनाया गया मैंने सुना है क्या मैं सही कह रहा हूं ए फोर्स का झंडा अपनाया गया है क्या मैं सही कह रहा हूं नया एफोर्स का झंडा अपनाया गया है तो आप लोगों से ये पूछना है कि भाई वो कितने साल बाद एयरफोर्स का झंडा अपनाया गया है कितने साल बाद एयरफोर्स का नया झंडा अपनाया गया है ये बताओ कितने साल बाद एयरफोर्स का झंडा फैला मतलब अपनाया गया है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा क्या है तो वो तो भाई आपकी है आठ डिग्री चार मिनट उत्तर तिहत्तर साल बाद क्योंकि 1932 में जब एयरफोर्स बनी थी तब वो थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स जब भारत आजाद हुआ तो बाद में उसने एक झंडा अपनाया आजादी के बाद उसमें ब्रिटिश छाप थी तो उसको अब पूरी तरीके से बदला गया ठीक है खैर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है चलो अगला क्वेश्चन देखो ये भारत का वो है क्या बोले लेटिट्यूड एक्सटेंट अगर देखें तो यहाँ पर आठ डिग्री चार मिनट उत्तर से आपका सैंतीस डिग्री छः मिनट उत्तर और यहाँ पर अड़सठ डिग्री सात मिनट पूर्व से सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट पूर्व ओके अगला क्वेश्चन भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो ये आपका विलेज नैनी मिर्जापुर प्रयागराज में आपका पड़ता है तो ये आपका कहाँ पर है साढ़े बयासी डिग्री जो GMT से साढ़े पाँच घंटे आगे है ओके okay, अब भारत के पांच राज्यों से होकर ये गुजरता है इस बार प्रयागराज में ठीक है इस बार प्रयागराज में ही इंडियन एयफोर्स डे मनाया गया है ध्यान रखिएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आ गया है तो जी से आपका साढ़े पाँच घंटे आ गया है क्योंकि सूरज जो है इंडिया में पहले उदय होता है ईस्ट से तो साढ़े पाँच घंटे पहले उदय होता है तो जी से साढ़े पाँच घंटे आगे है भारत के ध्रुव का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है तो भारत का जो दक्षिणी भाग है भूमध्य रेखा से आपका आठ किलोमीटर दूर है ओके ये भूमध्य रेखा है ये कन्याकुमारी आठ किलोमीटर दूर है अगर इंदिरा पॉइंट देखे तो सात किलोमीटर दूर है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है यानी लैंड बाउंड्री सात देशों के साथ है कितने देशों के साथ है सात देशों के साथ है सेवन स्टेट्स और इसकी टोटल लेंथ है पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर कितनी लेंथ है इसकी पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखो भारत के सोलह राज्य दो केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाते हैं भारत की द्वीपो समिति कितनी है तो सात हजार पाँच सौ सोलह किलोमीटर है कितनी है सात हजार पाँच सौ सोलह किलोमीटर टोटल लेंथ है और भारत के नौ राज्य और चार केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाते हैं चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई जो है वो कितनी है 2933 किलोमीटर है ओके सबसे उत्तर का बिंदु सबसे दक्षिण का बिंदु इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु और यहाँ पर पश्चिम का बिंदु ग्वार मोती पूर्व का बिंदु की चलो अगला क्वेश्चन गारो खासी जयंतिया किसका भाग है तो गारो खासी जयंतिया भारत की प्रायद्वीप भूमि का भाग है किसका प्रायद्वीप भूमि का भाग है चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कौन कन तट कहां से कहां तक है तो कौनकन तट आपका गोवा से मुंबई तक है कौन कन तट कहां से कहां तक है गोवा से मुंबई तक है भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं तो भारत में जो ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं बैरन और नारकोंडम आइलैंड पाए जाते हैं कौन से बैरन और नारकोंडम आइलैंड पाए जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कर कर्क रेखा के निकटतम है तो बाबा महाकाल जय श्री महाकाल तो उज्जैन जो है उज्जैन से तो बिल्कुल आपका कर्क का होकर गुजरती है उज्जैन से तो आपका बिल्कुल कर्क का होकर गुजरती है ठीक है भारत विश्व रेखा के उत्तर में स्थित है इसका जो अक्षांश है वो आठ डिग्री चार मिनट उत्तर से सैतीस डिग्री छह मिनट है और ये अड़सठ डिग्री सात मिनट पूर्व से सत्तानवे डिग्री पच्चीस मिनट पूर्व है यानी इसके ऑल ऑफ आपका इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा चलो अगला क्वेश्चन आपकी राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा आठ राज्यों को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है आठ राज्यों को स्पर्श करती है चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सर्वाधिक सीमा स्पर्श करती है तो उत्तर प्रदेश इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जिसका अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती तो मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती मणिपुर नागालैंड से लगता है असम से लगता है और मिजोरम से लगता है और म्यांमार से लगता है ठीक है वह समूह जिसकी राज्य की सीमा मणिपुर से नहीं लगती तो देखो मेघालय असम के नीचे और बांग्लादेश से टच करता है जहां पर भी आपको मेघालय दिखेगा वो इसका आंसर नहीं होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट right आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर वो राज्य बताओ जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है आपको पता आप कितना क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने हाँ? देखें कितने क्वेश्चन कर लिए अभी तो सौ के करीब और है क्वेश्चन ठीक है तो वह राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है इसका नाम ही त्रिपुरा है ठीक है इसका नाम ही क्या है त्रिपुरा है आ, ऐसे राज्य जिसकी नेपाल भूटान और चाइना से सीमा लगती है नेपाल भूटान और चाइना नेपाल भूटान और चाइना आपका पड़ेगा सिक्किम ठीक है आपका सिक्किम वैसे वेस्ट बंगाल भी करता है तीन राज्यों से लेकिन वो नेपाल भूटान और बांग्लादेश अरुणाचल प्रदेश जो करता है भूटान चाइना और म्यांमार से करता है ठीक है <kuh> कुमाऊ हिमालय खैर ये क्वेश्चन नहीं आएगा ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है मैं बता देता हूँ सतलुज और पंजाब के बीच सतलुज और इंडस नदी के बीच पंजाब हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच कुमाऊँ हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय तो इस बेसिस पे है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पंजाब होगा तीन कुमाऊ होगा एक तीन एक दो चार इसका आंसर हो जाएगा तीन एक दो चार चलो अगला क्वेश्चन पश्चिमी घाट क्या है ओके पश्चिमी घाट 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 पश्चिमी पश्चिमी क्या है आपका ये ये जो इधर पर्वतमाला ऐसे पर्वत हैं ठीक है इनको हम क्या बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन यानी हम इनको क्या बोला जाता है ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है चलो और इनको सहयात्री भी बुलाया जाता है ठीक है इन्हीं पश्चिमी घाट को सयाद्री के नाम से भी बुलाया जाता है ठीक है इन्हीं पश्चिमी घाट को सयाद्री के नाम से भी बुलाया जाता है ठीक है अच्छा दक्षिण भारत की जो सबसे अगर आप देखो यहाँ पर इस तरीके से ये इधर वेस्टर्न घाट है ये ईस्टर्न घाट है ये जो मिलते हैं इसको नीलगिरी बोलते हैं नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा आंसर नहीं है लेकिन ये ओके इसके नीचे आपका एक हिल पड़ती है अना हिल्स ठीक है अनामलाई हिल्स अनामलाई हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है अनामलाई हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है भारत के दक्षिण में स्थित तो जो पहाड़ियां पाई जाती हैं, उनको इलायची की पहाड़ियाँ यानी कार्डमन हिल्स बोला जाता है उनको इलायची की पहाड़ियां यानी कार्डमन हिल्स हम बुलाते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच आपकी कौन सी पर्वतमाला पाई जाती है तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच आपकी सतपुड़ा पर्वतमाला पाई जाती है क्या पाई जाती है सतपुड़ा पर्वतमाला पाई जाती है ओके चलो अगला क्वेश्चन ना अरे स्टैटिक जी गई तो अली ठीक है आप बताओ कौन सा दर्रा कहाँ पर है जैसे नथुला पास आपका पड़ता है सिक्किम में बोमडिला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में शिपकीला पास आपका हिमाचल प्रदेश में तूजू पास आपका मणिपुर में तो तीन एक ठीक है तीन एक दो चार तीन एक दो चार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है चलो अगला क्वेश्चन आपके किस पर्वतीय दर्द से होकर भारत में जो नागरिक हैं भारत के लोग हैं भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश जाते हैं तो वो लिपू पास नेपाल और भारत और चाइना के बीच में है चलो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये रहा आ, वो नदियां जिनका ओरिजन हिमालय से दूसरी तरफ होता है तो सिंधु नदी सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इनका उद्गम स्थल हिमालय से दूसरी तरफ है ठीक है ओके ये गंगा जमुना ब्यास चिनाब ये हिमालय के बाद शुरू होती है गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से बुलाया जाता है दोनों मिल जाती हैं तो फिर इनको मेघना के नाम से बुलाया जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बताओ भारत की दो तो सबसे बड़ी नौका गम्य झील कौन सी हैं हम्म ओके भारत की दो नौका गम्य झील कौन सी हैं तो वो आपकी कौन सी है गंगा ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर एक और दो इन्हीं पर ही बने हुए हैं ठीक है विश्व का सबसे बड़ा जो नदी निर्मित द्वीप है आपका कौन सी नदी पे है ठीक है तो वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है किस पर स्थित है ब्रह्मपुत्र पर स्थित है चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दक्षिण से उत्तर की ओर तो दक्षिण से उत्तर की ओर आपकी बेतवा नदी यमुना नदी में जाके मिलती है ठीक है कौन सी नदी तो जितनी भी अरब सागर की ओर नदियां बहती हैं ये आपका डेल्टा नहीं बनाती है तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका ताप्ती नदी इसका राइट आंसर होगा ठीक है ताप्ती नदी अगला क्वेश्चन विभाजित करती है दो भागों में तो वो आपकी नर्मदा नदी है जो भारत को दो पठारी भागों में विभाजित करती है ठीक है अगला क्वेश्चन गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पे से है तो गोदावरी का उद्गम स्थल आपका त्रम्बकेश्वर ये आपका नासिक में पड़ता है ठीक है नासिक महाराष्ट्र में यहाँ से ये उत्पन्न होती है गोदावरी नदी के दूसरी तरफ ही तो नाक काट के फेंकी थी जो नासिका यानी के नाम से जानी गई तभी तो नासिक नाम पड़ा जोहार सागर राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ये तीन मध्य प्रदेश से उत्पन्न होती है मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच में बाउंड्री बनाती है और उत्तर प्रदेश में आपका यमुना नदी से मिल जाती है तो तीनों ने इस पर बांध बना रखे हैं चंबल नदी पर ओके हीराकुंड पोंग टेहरी और आपका थीं डैम हीराकुंड डैम भारत का सबसे लंबा बांध टेहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध पोंग डैम आपका जो है ब्यास नदी पर है और थीन डैम आपका रावी नदी तो चार एक दो तीन चार एक दो तीन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ओके चलो आगे बढ़ते हैं सुशांत सर की तो हो गई क्लास ठीक है सुशांत सर की तो अभी हो गई क्लास फिर है ये तो आपका रिपीट हो गया बस अब खत्म कर रहा हूँ आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा नगर आपका किसी तट के किनारे पर स्थित नहीं है तो ध्यान रखेगा वो आपका कौन सा है आपका भोपाल भोपाल किसी भी नदी तट के किनारे नहीं बसा हुआ है ठीक है तो आप लोगों को वैसे अभी तो क्वेश्चन बहुत है खत्म होने का नाम है बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां दे भाई साहब चलो तो आज ना राष्ट्रीय बालिका दिवस है ठीक है इंटरनेशनल इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सॉरी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस तो इसी वजह से आज हमारे सभी महापैक पर आपको लोएस्ट प्राइस मिल रहा है तो अगर आप अलग अलग विभिन्न विभिन्न डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो Y191 डिस्काउंट कोड को यूज करके आप सतहत्तर प्रतिशत डिस्काउंट पे आपका लोएस्ट प्राइस पे आप हमारे महापैक या मेगा पैक को ले सकते हो इस लेक्चर का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अटा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप का लिंक है उस लिंक को क्रिएट क्लिक करें अटा की ऐप डाउनलोड करें डिफेंस कैटेगरी को चुनें और उसी में ही आपको जीवेर जी जी का ग्रुप मिल जाएगा वहां पर आपको पी मिल जाएगी बाकी प्रीमियम स्टडी मटेरियल जो मैंने बताया ज्वाइन करना चाहे इट इज़ योर विश सेल्फ स्टडी से वैसे आप अपना ध्यान रखिएगा उसी से सिलेक्शन होता है बाकी करंट अफेयर डेली क्विज फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बेसिस पे आपको क्विज और नोट्स आपको मिलते हैं तो बड़ी बेनिफिशियल ऐप है आपको ये मिलेगा ओके तो नहीं नहीं ये गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है तो आज के लिए तय जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू वेरी मच बाय बाय